दौसा से खबर है जहां सपा नेता के स्कूल पर चला है बुलडोजर और सरकारी जमीन पर कब्जा कर पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिगंबर सिंह ने बनवाया था स्कूल। प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ खाली कराई है 11 बीघा जमीन। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने हटवाया है अवैध कब्जा और थाना इंदरगढ़ इलाके के बहादुरपुर गांव का ये मामला है। बहादुरपुर मौजा लाख तहसील तिरवा कन्नौज का मामला है जो हमारी ग्राम सभा की करीब 36 बीघा जमीन है जिसमें 11 बीघे पर अवैध तरीके से एक फर्जी स्कूल संचालित हो रहा था जो दिगंबर सिंह यहां के निवासी हैं उनके द्वारा अवैध रूप से तय किया गया था, जिसे तहसीलदार के द्वारा आदेश डिमोलिशन का किया गया जिसके क्रम में आज हम सब लोग इसको हटवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। कितने एकड़ है सर ये? करीब 11 बीघा जमीन है और 36 बीघा पे बाकी पे और कब्जा है जिसको हम लोग डिमोलाइज कर रहे हैं। तो सपा नेता के ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9,000 का बिजनेस करते थे, अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सरकारी स्कूल पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा कर पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिगंबर सिंह ने यहां स्कूल बना लिया था जिसे ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ तकरीबन 11 बीघा जमीन खाली करवाई है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने यहां से कब्जा हटाया। थाना इंदरगढ़ इलाके के बहादुरपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। अवैध तरीके से यहां स्कूल का निर्माण कर दिया था जिसे ध्वस्त कर दिया गया। कन्नौज की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सपा नेता के स्कूल पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि इससे पहले कई बार नोटिस भी दिया गया था लेकिन जब खाली नहीं हुआ तो उसके बाद बुलडोजर के जरिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभम इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रभम, कोर्ट के आदेश के बाद ये जो सरकारी स्कूल यहाँ चल रहा था उस पर एक्शन हुआ है? हाँ देखिए, बिल्कुल, तहसीलदार न्यायालय के आदेश पर ये एक्शन हुआ है। जिसका आपको पूरा मामला बता दें कि सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और इस समय जिला पंचायत सदस्य हैं दिवंगत उनके जमीन, उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके 11 बजा जमीन बताई जा रही है जिसको आज एक पोस्ट ने खाली कराया है। LTM तिरवा खुद पहुंचे हुए थे और इस पर एक स्कूल बनाया हुआ था जो की अवैध रूप से चल रहा था। तहसीलदार न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है और पूरे स्कूल को गिरा दिया है। तिरवा तहसील के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में ये पूरे अतिक्रमण को हटाया गया है और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने आज कार्रवाई की है। SDM तिरवा जो कि उमाकांत थे, उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी भी हमसे साझा की। पूर्व ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य के द्वारा यह अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करके स्कूल बनाया गया था जिसको आज गिराया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभम जानकारी के लिए। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9,000 का बिजनेस करते थे, अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।